वाड़ी शहर की सड़कों पर करोड़ों रुपए का खर्च किया गया है, लेकिन कुछ सड़कें राजनीति में फंसे हैं। ऐसा ही एक 200 मीटर का रास्ता फंसा है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। वार्ड क्रमांक 2 स्मृति लेआउट में बागड़े ठेकेदार के घर से गजबे के घर तक तथा शेंडे के घर तक रास्ता अधूरा पड़ा है। वार्ड क्रमांक 2 में शिवसेना की नगर सेविका है। नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद को लेकर घमासान चलते विकास चुका था। अब एक साल से प्रशासक इंदिरा चौधरी है। मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारेलाल पर वाड़े का जुम्मा है, लेकिन प्यारेलाल भी समस्या को हल करने पर नाकाम हुए हैं। 4 साल हुए समस्या की शिकायत करने की जानकारी दिलीप कस्बे ने दी है। बताया कि बरसात के समय सड़क पर भारी मात्रा पर गंदगी होती है, वाहन चालकों के वाहन फिसलने से दुर्घटना हुई है। कस्बे के दरवाजे पर गंदगी का आलम बना रहता है। नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है, लेकिन इस पर नगर परिषद प्रशासन ने ध्यान नहीं देने से नागरिकों को परेशानी हो रही है। स्मृति लेआउट ये 1984 से लेआउट है, 5 साल से सड़क नहीं बन पाई है। दिलीप कस्बे ने बताया कि 2018 में सड़क के संदर्भ में शिकायत दर्ज की है, अब सड़क को सुधारने की मांग हो रही है। मेरा नाम लेखराज दिलीप फुलसुंगे है साहब। मैं यहाँ पर स्मृति लेआउट में रहता हूँ। यहाँ पे कई दिन से 3-4 साल से पूरा ये रोड बनता ही नहीं है साहब। पूरा यहाँ पे कई लोग गिरते हैं, कई जन का एक्सीडेंट होता है, यहाँ पर मार गिर लगता है। फिर भी प्रशासन को हमने कई बार दरख्वास्त कर दी है, लेकिन वो बनाते ही नहीं है साहब। इसके लिए थोड़ा वो करना चाहिए ना साहब। नगर परिषदेमध्ये काही व्यवस्था नाही, सगळे लोक ड्युटीवर आले का आपला दिवस कसा घालवायचा म्हणून हे सुचते, पण नागरिकाला काय त्रास आहे त्याची इच्छा त्यांची काम करायची बिलकुल नाही। 2018 डिसेंबर महिन्यामध्ये मी शिवर लाईनची कंप्लेट केलेली होती। साहेब म्हणाले हे बांधकामकडे का द्यायला पाहिजे, हे कम्प्युटर कशासाठी बसवलेलं आहे, हे काम आहे का त्या बांधकाम करण्यावाल्याला देण्यापासून? आज 3 वर्ष झाले तरी काही कोणी लक्ष नाही देत। म्हणजे आम्ही टॅक्स नाही देत का? आम्ही भारत देशाचे नागरिक नाही आहो? चोट्टे लोक बसवलेले आहेत सगळे ते दिसानी, तुम्ही एक काम करायला लायक नाही आहे ते काय करणार? आम्ही जिवंत राहा का मराजा? किती वास येऊन राहिला नालीच्या आणि रोडाचं पहा ना, किती ॲक्सिडेंट होतात, रोड पहा कसे झालेले आहेत, सगळे दगडे आणून ठेवले 2-2 फुटाचे, हे व्यवस्था राहते का? म्हटलं कोणाला ते आमचं काम नाही आहे। बेसन न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।